साथियों नमस्कार। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीपीईटी उड़ीसा 2021 रियल एनालिसिस के कंप्लीट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ए इक्वल टू दिस अपने को सेट गिवन है, उसके सुप्रीमम के बारे में पूछा है कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, राइट। साथियों देखने से क्या लग रहा है, देखने से कुछ नहीं लग रहा है, देखने से यह लग रहा है कि अपनी हवा टाइट हो जाएगी और ये क्वेश्चन नहीं होने का, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सिंपल कैसे, वो बताते हैं। देखो अगर इसको मैं सीक्वेंस के फॉर्म में लिखूं, इसको A1 नाम दूं, इसको A2 नाम दूं, इसको A3 एंड सो ऑन। तो साथियों A1 क्या है 0.2, A2 क्या है 0.22, A3 क्या है 0.222, राइट। एंड आई होप आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। A4 क्या है 0.2222। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 + 0.02, 0.2 + 0.02, इसको क्या लिख सकते हैं 0.2 + 0.02 + 0.002 + 0.0002। इस प्रकार अपना an क्या आ जाएगा, इसका nth टर्म, इसका सुप्रीमम पूछा है, राइट। देखो ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, मतलब जब इसकी लास्ट टर्म बनेगी, जब ये अपना इनफाइनाइट सेट है, इसमें जो लास्ट टर्म होगी ना वही क्या उसका इसका सुप्रीमम होगा 0.2 0.22 एंड सो ऑन। देखो ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, आगे वाला इससे बड़ा होगा और आगे वाला इससे बड़ा होगा, तो अपने पास बनेगा 0.2 इस प्रकार का एलिमेंट आएगा, वही क्या होगा सुप्रीमम। लेकिन वो एलिमेंट क्या आएगा वही अपने को चेकआउट करना है, राइट। चलिए ये क्या आएगा an 0.2 + 0.2 0.02 + 0.002 + 0.0002 एंड सो ऑन। अगर n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो राइट इस प्रकार जारी रहेगा, कहां तक रहेगा A4 में क्या है 1, 2, 3, 4 टर्म है, तो an में क्या जाएगी n टर्म आ जाएगी, ठीक है ना। ये जीरो कितने हैं n-1 0, ठीक है। यहां हाँ तो देखो 1 में क्या है, ये 2 में 2 टर्म है, 2 में 1 0 है, 3 में 2 है ना, तो n-1 0 है टोटल, ठीक है साथियों। यही क्या होगा, ये इसका सुप्रीमम होगा, ये कौन होगा, ये इसका सुप्रीमम होगा। सुप्रीमम मतलब अरे जब भाई ये इन्फाइनाइट की ओर जाएगा, मतलब जब n टेंड टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये इसका सुप्रीमम आ जाएगा, राइट। तो सिंस यहां से देखो इसको A1 नाम दूं, तो A1 लेस देन A2 लेस देन A3 लेस देन A4 एंड सो ऑन, तो इसका सुप्रीमम कौन आएगा, सुप्रीमम ऑफ A लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an, ये क्या आएगा, इसकी लिमिट क्या जाएगी। देखो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका रेशियो क्या है 0.10, ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका रेशियो क्या है 0.1, राइट। तो इसका सम क्या आएगा, इसका सम एकोन 0.2, पहले an देख लेते हैं, an आएगा 0. तो ar की पावर n 0.2, r की पावर n-1, r कौन है 0.1, राइट 0.1 की पावर n-1 अपॉन r-1 0.2 - 1 0.1 - 1। देखो
ये क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज है, इसका रेशियो क्या है 0.1, राइट, दिस अपॉन दिस 0.1, दिस अपॉन दिस 0.1 एंड सो ऑन, ठीक है। ए आर की पावर एन, कोई भी जियोमेट्रिक सीरीज होती है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर टू एंड सो ऑन, तो उसका सम क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, राइट। अगर हाँ तो अपने वाले केस में क्या है, जो तो आर है वो उनसे छोटा है, तो ये वन माइनस आर की पावर एन, वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, वन माइनस आर, राइट। इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज नथिंग बट दो, ये देखो इसमें से कितना आएगा, तो यहाँ ये हो जाएगा ए आर, ए वन माइनस आर की पावर एन 0.2, वन माइनस 0.1 की पावर एन अपॉन वन माइनस 0.1, दिस इज नथिंग बट 2/9, वन माइनस 0.1 की पावर एन, राइट। अब देखो निकालना क्या है, इसका सुप्रीमम, सुप्रीमम कौन होगा, जब ये लास्ट में एन बहुत बड़ा हो जाएगा ये इसका सुप्रीमम आएगा, राइट। तो मैं यहां लिख सकता हूं, यहां लिख देता हूं, देखो सुप्रीमम ऑफ ए इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन, ये देखो ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, ये एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन गई, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, इसकी लिमिट होगी, दिस इक्वल टू लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी 2/9, वन माइनस 0.1 की पावर एन, ये जीरो की ओर जाएगा 2/9, सुप्रीमम क्या आएगा 2/9, ठीक है साथियों। इसमें देखो ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, एक बार इसको तो मिटा देता हूं, ये लो साथियों, हमने क्या किया, ये क्या है ए वन है, ये ए टू है एंड सो ऑन, ए एन एंड सो ऑन, और ये अपने पास सेट इस प्रकार है कि इसमें जो टर्म है ये क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की टर्म है, राइट। तो जो सुप्रीमम कौन आएगा, इस सीक्वेंस की लिमिट है वो इसका सुप्रीमम आ जाएगा, ये जो सीक्वेंस बनेगी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो इसका सुप्रीमम कौन आएगा, लिमिट, लिमिट ए एन क्या हो जाएगा इसका सुप्रीमम। लेकिन हमारे पास समस्या ये है कि ए एन क्या आएगा, जो ए एन है अपना इसका जनरल टर्म ए एन है वो क्या होगा, वो एन की टर्म में क्या होगा, तो हमने निकालने का कोशिश किया, ए वन को ऐसे लिख दिया, ए टू को ऐसे लिख दिया, ए थ्री को ऐसे लिख दिया, ए फोर को ऐसे एंड सो ऑन, ए एन को हमने ऐसे लिख दिया। ये क्या है, जियोमेट्रिक सीरीज है, इसका रेशियो क्या है 0.1 है, तो इसका सम निकाला तो क्या आया 2/9, 1 माइनस 30, 0.1, 0.1 की पावर एन, एन टेंड टू इन्फिनिटी किया तो इसका सुप्रीमम ये आ गया, क्या आया 2/9, ये लास्ट का टर्म है, इसको लास्ट में नोट कीजिएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, थोड़ी टर्मिनोलॉजी है कि किस प्रकार से इसको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। अब इसको मिटा दे, नोट करना चाहो कर सकते हो, बाकी हम इसको मिटा रहे हैं। खेला यही है कि जनरल तो nth टर्म निकाला है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वही खेला है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, ये साथियों प्रैक्टिस से होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने को पूछिए इसकी लिमिट, चलिए -1/2, अपने को इसकी लिमिट पूछिए, ये क्या है देखो, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1² + 2² एंड सो ऑन n स्क्वायर की पावर 1/n, ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर i फ्रॉम 1 टू n, i स्क्वायर क्या होता है n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6, राइट, जब 1 करेंगे तो आ जाएगा 1, 2, 3, 2 करेंगे तो आ जाएगा 2, ठीक है साथियों, यही आना चाहिए ना, चलिए गलत तो नहीं लिखा ना,
अगर गलत है तो सही कर लेना। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n n प्लस वन टू एन प्लस वन की पावर वन बाई एन अपॉन सिक्स की पावर वन बाई एन, राइट, अपॉन सिक्स की पावर वन बाई एन। दिस इज नथिंग बट लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी सिक्स की पावर वन बाई एन वन, ये एक बार इसको रहने दो, सिक्स की पावर वन बाई एन, एन की पावर वन बाई एन, एन प्लस वन की पावर वन बाई एन, टू एन प्लस वन की पावर वन बाई एन। दिस इज नथिंग बट वन डॉट वन अपॉन वन इज वन, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, ऑप्शन बी विल बी ट्रू, इसकी लिमिट आ जाएगी वन। सिंपल सा है, अपने को ये पता होना चाहिए लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी n की पावर वन बाई एन, इसकी वैल्यू वन होती है, इसी का हमने यूज किया है, राइट। देखो साथियों, n टब टेन टू इन्फिनिटी होता है ना, n टेन टू इन्फिनिटी होता है तो n की पावर वन बाई एन इक्वल टू वन होता है। जब n बहुत बड़ा होता है ना तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, n प्लस वन की पावर वन बाई एन दिस ऑल्सो इक्वल टू वन, इस प्रकार से मतलब नॉर्मली में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है साथियों, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी, तो उसी का हमने यूज किया है, ये वन और ये वन, ठीक है, बराबर है। अब बढ़ते हैं अपन टू कुछ, ठीक है ना, इसका वैल्यू आ गया वन आ गया, नेक्स्ट लेट ए एन बी सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सपोज लिमिट ए एन की पावर वन बाई एन क्यू विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। साथियों अपने को गिवन क्या है, अपने को गिवन है कोई सिक्वेंस है रियल नंबर की, ए एन को सिक्वेंस है रियल नंबर की कि ए एन की पावर वन बाई एन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी क्या है, क्यों है, देन अपने को पूछा कौन सा ट्रू होगा, क्यों लेस देन वन, देन दिस ग्रेटर देन जीरो, क्यों ग्रेटर देन वन, दिस टेंस टू इन्फिनिटी, दिस लेस देन वन, देन ऐसा कुछ गिवन है। इससे क्या लग रहा है, इसका कुछ सीरीज के साथ कनेक्शन है, इसका कुछ सीरीज के साथ कनेक्शन है। अगर ए एन सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, ए एन सिक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, देन मोड ए एन क्या हो जाएगा, सिक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, मोड ए एन क्या हो जाएगा, मोड ए एन सिक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रम सीरीज, पॉजिटिव ट्रम सीरीज, राइट। देखो यहां लेस देन और ग्रेटर देन वन की बात हो रही है, लेस देन और ग्रेटर देन वन की बात चल रही है, इसका मतलब जरूर इसका सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म से इसका कुछ रिलेशन बन रहा है। उसमें देखो रूट टेस्ट से, ये रूट टेस्ट है, अगर ए एन कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है देन रूट टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन की पावर वन बाई एन इक्वल टू एल, एल ग्रेटर देन वन, देन डाइवर्जेंट, कौन सीरीज, सीरीज डाइवर्जेंट, अगर ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली तो ये पॉजिटिव टर्म बन गई, एल लेस देन वन कन्वर्जेंट, एल इक्वल टू वन पर फेल होता है। अपने वाले केस में क्या है, क्यों, क्यों आया इसकी लिमिट, ये लो साथियों क्यों, 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 अगर कन्वर्जेंट हुई, अगर सीरीज ये कन्वर्जेंट हुई देन लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी ए एन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब ये कन्वर्जेंट होगी तब, राइट, ठीक है। चलिए इसका मतलब किस केस में हो जाएगा, इस केस में हो जाएगा जब क्यों लेस देन वन, तो क्यों लेस देन वन एक इसमें है, एक इसमें है, जब क्यों लेस देन वन देन लिमिट ए एन क्या हो जाएगा, जीरो जाएगा,
जबकि दोनों में क्या है, इसमें ग्रेटर देन जीरो, इसमें लेस देन जीरो, राइट। तो इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, इन दोनों को भगा दो, ठीक है। क्यों, अगर क्यू लेस देन वन हुआ, अगर क्यू अपना लेस देन वन हुआ, देन क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। दिस मीन्स लिमिट ए एंड क्या जाना चाहिए, जीरो जाना चाहिए। ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट। चाहे ये पॉजिटिव टर्म सीरीज हो चाहे ना हो, लेकिन अगर कन्वर्जेंट हो गई तो लिमिट ए एन जीरो जाएगा। कोई सीरीज ए एन कन्वर्जेंट है तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है लिमिट ए एन क्या जाना चाहिए, जीरो। अगर क्यू लेस देन वन है, देन रेशियो रूट टेस्ट से ये कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट मीन्स सीरीज ए एन कन्वर्जेंट, तो लिमिट ए एन जीरो, ठीक है साथियों। तो चाहे पॉजिटिव टर्म सीरीज हो या ना हो, अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट ए एन जीरो हो जाएगा। रेशियो टेस्ट यहां से था, आगे वाली सीरीज की प्रॉपर्टी थी कन्वर्जेंट सीरीज है तो, नेसेसरी कंडीशन है कन्वर्जेंट है तो ये लिमिट ए एन जीरो होगा। लेकिन ये ग्रेटर देन जीरो बोल रहा था, ये लेस देन जीरो बोल रहा था, इसको भगा दिया। दूसरी कंडीशन क्या है, क्यू ग्रेटर देन वन, क्यू ग्रेटर देन वन, एक ये रही एक ये रही। अगर क्यू ग्रेटर देन वन है, देन क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है, यहां देखो साथियों, हमारे को केवल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर गिवन है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। डाइवर्जेंट है तो सीरीज ए एन क्या बन गई, पॉजिटिव टर्म सीरीज। ये पॉजिटिव टर्म सीरीज डाइवर्जेंट है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। इसको ऐसा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। ये अपनी पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई, ये लो साथियों, अब ये पॉजिटिव टर्म सीरीज बन गई, ठीक है ना। क्यों ग्रेटर देन वन, देन क्या है, डाइवर्जेंट कौन, दिस पॉजिटिव टर्म सीरीज। दिस मीन्स ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। पॉजिटिव टर्म सीरीज डाइवर्जेंट है, दिस मीन्स लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ए एन क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी, राइट। तो ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी विल बी ट्रू, ऑप्शन बी विल बी ट्रू, राइट। कन्वर्जेंट, ये सीरीज ऑफ रियल नंबर सिक्वेशन है, सीक्वेंस का नाम दिया है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में कुछ नहीं बोला है, राइट। तो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, ए एन जाएगा इन्फिनिटी। मॉडुलस क्यों लगाया है, मॉडुलस साथियों इसलिए लगाया है क्योंकि सीक्वेंस पॉजिटिव रियल नंबर की भी हो सकती है, नेगेटिव की भी हो सकती है। मॉडुलस लगाने का मतलब क्या है, इसके हमने ये जो पॉजिटिव टर्म सीरीज में इसको कन्वर्ट कर लिया, रूट टेस्ट की मदद से ये क्वेश्चन तुरंत ही हो गया, ठीक है। इन बाकी को भगा दिया दो तीन को, और ये बचा, ये ऑटोमेटिक हो ही गया, ठीक है साथियों। ध्यान रखना, पॉजिटिव टर्म सीरीज होती है तब भी लिमिट अगर डाइवर्जेंट होती है, अगर सीरीज डाइवर्जेंट है और पॉजिटिव टर्म सीरीज है, देन लिमिट ए एन इन्फिनिटी। अगर नेगेटिव टर्म सीरीज है तब कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए हमने यहाँ मॉडुलस लिया है। मॉडुलस मीन्स इसको पॉजिटिव टर्म सीरीज बना रहे हैं, ये भी अपना मॉडुलस इसके लिए है, ठीक है साथियों। ये रूट टेस्ट से हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट करना चाहो नोट कर सकते हो।